जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, पैसे वालों की दृष्टि में आजकल जिनके पास पैसा नहीं उनका मूल्य बहुत ही कम है, पर यह तो संसार का स्वरूप है। भोगमय संसार में भोग महत्ता स्वाभाविक ही अधिक होती है, इसलिए जिनके पास भोग है उन्हीं का विशेष महत्व भोगियों की दृष्टि में होता है, परंतु भगवान के यहाँ उनका न कोई महत्व है न कोई पूछ है। वहाँ तो उसी का महत्व है जिसका जीवन भगवान में लगा हो, चाहे वह जगत में अत्यंत तुच्छ नगण्य समझा जाता हो और जगत के लोग उसका कितना ही अपमान तिरस्कार करते हों, उसे भी जो भगवान में लगा है न अपनी तुच्छता या नगण्यता को लेकर दुख या क्षोभ है और न वह मान तथा सत्कार की ही इच्छा करता है, वह इन बातों को लेकर परेशान क्यों हो। उसे तो अपने भगवान में ही लगे रहना है। वह सदा सर्वदा भगवान के हृदय में बसता है तथा भगवान को अपने हृदय में बसाए रखता है। वह क्यों किसी अन्य वस्तु या परिस्थिति की इच्छा करेगा, क्यों मिलने पर सुखी होगा और क्यों न मिलने पर दुखी या परेशान होगा। वह तो सदा आनंद मग्न रहेगा। अतएव भगवान के प्रेमी को संसार की प्रत्येक परिस्थिति में सुख या दुख के विकार से रहित होकर केवल भगवान का ही बने रहना तथा इसी में परमानंद का अनुभव करना चाहिए। देखो, तुम निरंतर भगवान को अपना समझो, अपने समीप समझो तथा नित्य निरंतर उनकी परम सरस मधुराती मधुर प्रेम सुधा का पान करते हुए प्रेम में मत बने रहो। भूल जाओ संसार को, शरीर को तथा भोग जगत को। जिसके हृदय में दिन रात भगवान रहते हैं, जिसका हृदय क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं छोड़ता, सदा उनसे चिपका रहता है, उनके सिवा जिसको और कुछ भी सुहाता और भाता ही नहीं, उसके मन में जगत जगत के विषय भोग कहाँ रह गए। इतने पर भी चाह तो बनी ही रहती है, पवित्र प्रभु प्रेम में कहीं अंत तो है ही नहीं। जिस प्रेम में प्यास बुझ जाती है वह प्रेम नहीं, वह तो गंदा काम होता है। अतः अपने में प्रेम की कमी दिखना तथा दिन रात प्रभु मिलन की चाह बनी रहना तो इसका शुभ स्वरूप है। मिले रहत पर कबहू मिलेना, यही तो प्रेम है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।